हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वल्कनीसिटी चैप्टर का वन मार्कर क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर नंबर फर्स्ट, जियोग्राफी ऑनर्स। वल्कनीसिटी चैप्टर तक हमने पीडीएफ फॉर्मेट में भी अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब पहले हमने पढ़ा हुआ था हैंड रिटन नोट्स के साथ, एंड देन मैंने पीडीएफ फॉर्मेट के साथ पढ़ाना शुरू किया, तो वल्कनीसिटी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ तक हम अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी देख लिया है कि कैसे किया जाता है, एंड बाकी के चैप्टर्स का मैंने करा भी दिए हैं। वन मार्कर क्वेश्चन में सारे चैप्टर्स का करा दूंगी, लेकिन वल्कनीसिटी चैप्टर के आगे जो हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्स वाले जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो शायद मैं नहीं करा पाऊंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जो पहले का जो प्लेलिस्ट है वो जा करके आप चेक कर लेना एक बार, हैंड रिटन नोट्स वाला, वहाँ पे भी आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने ही पढ़ाया हुआ है तो वो भी बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। वन मार्कर क्वेश्चन में सबका करा दूंगी, तो वो आप कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी अभी एक बात और बता दूं मैं कि जितने भी अभी वीडियोज आएंगे ना चैप्टर्स से रिलेटेड, चाहे वो कार्टोग्राफी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो या फिर जियोमॉर्फोलॉजी हो, तो सब ऑन डिमांड ही चल रहा है। अभी किसी ने कल बोला कि दीदी प्लीज़ कंप्लीट करा दो इसको, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आप करा रहे थे, तो फिर से मैंने शुरू कर दिया, तो ये मैं कंप्लीट करा दूंगी। और ऐसे ही क्लाइमेटोलॉजी का भी किसी ने बोला हुआ है, तो वो एक दिन मैं वन मार्कर कराऊंगी और एक दिन क्लाइमेटोलॉजी का करा दूंगी, तो वैसे करके हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द होल प्रोसेस इन विच मैग्मा कम्स टू द सर्फेस फ्रॉम ग्राउंड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड। ओके, तो जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर वल्कनीसिटी, तो आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि वल्केनो क्या होता है, वल्कनीसिटी क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, याद है सबको? तो भी बता सकते हो आप कि जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस जिससे क्या होता है, मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड से कहाँ जाता है, ऊपर सर्फेस की तरफ आता है, तो उस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक तो कहेंगे नहीं, और वल्कैनिक माउंटेन तो हमारे आ गए लैंडफॉर्म्स में, है कि नहीं? तो मतलब वल्कनीसिटी के थ्रू जो हमारे लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उसमें आ गए वल्कैनिक माउंटेन, बचा वल्केनो और वल्कनीसिटी। तो वल्केनो क्या होता है? वल्केनो हम उस क्रैक को कहते हैं, उस होल को कहते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, वल्केनिक इरप्शन होता है। तो उसके बाद कौन सा बच रहा हमारा? वल्कनीसिटी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? वल्कनीसिटी। एंड एक बार जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि वल्कनीसिटी ही वो प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्टन रॉक मटेरियल फाउंड बिलो द सॉलिड रॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। ये किसको नहीं पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो देख लो क्या होता है ये। जो भी मोल्टन रॉक मटेरियल्स हमारे अर्थ के नीचे पाए जाते हैं, सॉलिड रॉक्स के नीचे पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मैग्मा। बाकी सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ को इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपको पता होगा कि उसके नीचे जो मोल्टन मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। एंड द शेप ऑफ क्रेटर और कैविटी इज कॉल्ड। जो शेप होता है क्रेटर का, क्रेटर पढ़ा हुआ है सबने, तो क्रेटर का जो शेप होता है वो कैसा होता है? क्या वो सर्कुलर होता है, फनल शेप्ड होता है, ट्रायंगुलर होता है या रेक्टेंगुलर होता है? तो याद होगा कि इस तरह से ये लावा निकलने वाला हमारा हो गया, क्या हो गया, ये लावा निकलने का जो रास्ता होता है वो हो गया, एंड इस तरह का हमारा कुछ क्रेटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कौन सा शेप है? फनल शेप है, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज आर फाउंड इन मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इंडियन ओशन बेल्ट, पैसिफिक बेल्ट या फिर नन ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या होगा? सबने बेल्ट पढ़ा हुआ है वोल्केनिक बेल्ट, तो इसका आंसर होगा पैसिफिक बेल्ट। एंड पैसिफिक बेल्ट जब मैं बोल रही हूँ तो आपको याद होगा कि यहीं पर क्या है, रिंग ऑफ फायर है, याद है पैसिफिक बेल्ट मैंने दिखाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पैसिफिक बेल्ट होगा। एंड वोल्केनोज दैट बिकम एक्टिव अगेन आफ्टर रिमेनिंग क्वाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर, ठीक है। तो जो हमारे वोल्केनोज हैं जो एक बार क्या होते हैं, एकदम से एक्टिव हुए और उसके बाद हमेशा के लिए, मतलब लगता है ऐसे लोगों को हमेशा के लिए क्या हो गए हैं, शांत हो गए, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं, मतलब बहुत सालों बाद, बहुत 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 सालों बाद क्या होता है, वो फिर से इरप्ट होते हैं, जिसकी किसी को गुंजाइश नहीं होती कि वो कभी इरप्ट भी होंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं? क्या वो एक्टिव होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं या फिर नन ऑफ देम? अभी एक्टिव में क्या होता है कि हमेशा ही होते रहता है इरप्शन, तो सबको पता है कि हाँ यहाँ पे इरप्शन होगा। डॉर्मेंट क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बोलते हैं या फिर पता नहीं जो भी है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि ये शांत होता है एकदम, बोलो तो ये होता है शांत। तो शांत और क्वाइट दोनों में क्या हो रहा है, एकदम सेम चीज मिल रही है, मीनिंग दोनों का सेम है। तो ये क्या होता है, शांत हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर से इरप्ट होते हैं, तो उनको हम डॉर्मेंट कहते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब तो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? डॉर्मेंट वोल्केनो। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो, स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो, हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनो, वेसुवियस और पेलिनियन टाइप ऑफ वोल्केनो। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन होता है?
पढ़ा होगा जिसने उसको पता होगा आंसर क्या होगा इसका पेलियन टाइप ऑफ वोल्केनोज। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द लैंडफॉर्म मेड ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो से बना हुआ लैंडफॉर्म, फ्यूजियामा, आल्प्स, अरावली और रॉकीज। आंसर क्या होगा इसका फ्यूजियामा। ये तो देख के ही पता चल रहा है ना कि अरे हाँ यही तो बार बार आ रहा था वोल्केनिक वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्रैक और होल फ्रॉम विच द बर्निंग मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वोल्केनिसिटी, वोल्केनो, मैग्मा, वल्कैनिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा, वल्कैनिसिटी हमने देखा हुआ है, वल्केनो देखा हुआ है, मैग्मा, वल्कैनिज्म सब देखा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब चैप्टर जब ये एमसीक्यू स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि क्रैक एंड होल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वल्केनो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। हाँ, तो जब मैं पढ़ा रही थी उस टाइम मैंने एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो, डोरमेंट हो, जो भी हो, सबके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को कम से कम याद कर लेना और इसमें से बताओ कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है कौन सा, माउंट केनिया, माउंट पोपा, माउंट किलिमंजारो, कौन सा इसमें से। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ये सारे ही एक्सटिंक्ट वोल्केनो के एग्जाम्पल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इटना एंड स्ट्रोम्बोली ऑफ मेडिटेरेनियन सी आर मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट वोल्केनोज, और सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ इटना और स्ट्रोम्बोली ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये कौन से वोल्केनो के एग्जाम्पल हैं, एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट और ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट का पहले एग्जाम्पल देख लेना, अगर ना मिले तो टिक लगा देना जिसमें आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, इटना एंड स्ट्रोम्बोली एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल है। सो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं वोल्केनिक चैप्टर के, वोल्केनिसिटी चैप्टर के, एंड आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सबका मैं एमसीक्यूज करा दूंगी और उनके चैप्टर्स आप जाकर के मेरे हैंड रिटन नोट्स वाले पीडीएफ से पढ़ सकते हो, या फिर हैंड रिटन नोट्स वाले जो प्लेलिस्ट है पुराने वाले जियोमॉर्फोलॉजी के, वहां से जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।